ऊपर को जाना हमने, इधर पीचना सी रोड ये आ गया हुआ लिखा। ये सारा नीचे मुजफ्फराबाद लश ग्रीनरी है। पीरचनासी जो कि 2900 मीटर है, आप इतनी हाइट पे हैं कि वो क्लाउड जो हैं वो हमारे लेवल पे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन एपिसोड 3 ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है जी, हमने पीर चिनासी जाना है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है जिसकी हाइट है जी 2900 मीटर यानी कि 2900। पीर चिनासी मुजफ्फराबाद के ईस्ट साइड पे है और हमारा यहाँ से सफ़र है 28 से 30 किलोमीटर और एक घंटे तक की ड्राइव है। बिल्कुल ही ज़िगज़ैग रोड है, उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। हमारा ऐसा कोई ख़ास इरादा नहीं था कि हम 12 घंटे की लगातार ड्राइव जो कि हम लाहौर से करके आए हैं मुजफ्फराबाद तक, उसके फौरन बाद हम पीर चिनासी वाले पॉइंट पर चले जाएं, क्योंकि मुजफ्फराबाद में गर्मी काफ़ी थी। हमने कहा क्यों ना हाई एल्टीट्यूड वाले किसी एरिया में जाकर रुकते हैं ताकि हम रात मज़े की गुजार सकें अच्छे व्यूज़ में। तो हमारा ये इरादा था कि हम उस रूट पर होटल्स वगैरह देखें और साथ पीर चिनासी का पॉइंट भी देखें। तो काफ़ी गपशप हो चुकी है, चलते हैं जी पीर चिनासी। मुजफ्फराबाद में एंटर होते साथ ही सामने को ये ब्रिज आता है, हमने इस ब्रिज की तरफ नहीं जाना, ये है जी कायदे आजम ब्रिज, इधर से हम एंटर होंगे अंदर। अलमदार चौक आ गया, यहाँ से हम होते हैं राइट, ऊपर को जाना हमने, इधर पीरचनासी रोड ये आ गया हुआ लिखा। ये जी पीएम हाउस, इस तरफ अंदर था शायद। को जाना हम वो वहां से आए हैं, लेकिन अभी भी आधे घंटे का सफर है ऊपर, पता नहीं कितना ऊपर जाना हमने, और बार बार कान बंद हो रहे हैं हाइट पे जाने की वजह से ना, हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से। मैंने कई यहाँ पे रुकते हैं और बाकियों को भी साथ आने दें। ये सारा नीचे मुजफ्फराबाद है, क्या यार यहाँ पे कमाल नज़ारा है। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी राइड। ये गए जी अपने शेर सवार,
इधर हम रुके थे जी शॉर्ट स्टे के लिए, ये आप पीछे देख सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड, क्योंकि हम हाइट पे जा रहे हैं तो बाइक छोटे गियर पे फुल जोर लेती है लेकिन उतना रिस्पांस देती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर को जा रहे हैं हम, लश ग्रीनरी है, सवा नौ किलोमीटर 20 मिनट्स। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. काफ़ी हम हाइट पे आ चुके हुए हैं। पीरचनासी जो कि 2900 मीटर है, आप इतनी हाइट पे हैं कि वो क्लाउड जो हैं वो हमारे लेवल पे ही हैं। अभी मज़ीद ऊपर जाना है, कंप्लीट ज़िगज़ैग और बिल्कुल इंक्लाइन यहाँ पे चढ़ाइयाँ। कुछ ऊपर आए हैं और यहाँ पे आप आवाम का रश देख सकते हैं। काफ़ी खींच के हमने अपनी बाइक के ऊपर जुल्म किया है और चढ़ाइयाँ हमने चढ़िया हैं। ये है जी अपनी बाइक और व्यू जो यहाँ का आया है वो प्राइसलेस है। मज़ा आ गया यहाँ पे आके, लेवल हो गया। जो पीरचनासी का मज़ार है वो तो ऊपर है लेकिन अभी हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम ऊपर जा सकें। अभी यहीं से खड़े होकर इन्जॉय करेंगे, रश काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड किस्म का रश लगा हुआ। 2900 मीटर की पीक है और क्या कमाल का यहाँ पे व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। जो मेहनत करके हम इतनी वो चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद ऊपर आए हैं वो उसके पैसे यहाँ पर आके पूरे हुए हैं, बहुत ही लेवल।
अब यहाँ का लेते हैं ड्रोन शॉट और ड्रोन शॉट में आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। हाँ जी अदनान भाई, ड्रोन शॉट हो गया जी। भाई ड्रोन शॉट अब हमारा क्लियर हो गया है, ये अब तकरीबन कोई घंटा हमने गुजारा इधर पीछना सी। अच्छा हाँ जी, अब इंशाल्लाह वापसी निकलने की तैयारी है क्योंकि कुछ ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे हो गए बाइक ड्राइव कर रहे हैं। आप जाकर अब यार जो सबसे बेहतरीन ज़रूरत है वो ये है कि एक अच्छा सा रूम हो, उसके अंदर जाके ऐसे लैमिनेट हो जाए कि दो दिन उठता ही नहीं, इतनी बुरी हालत हो गई हुई है यार। नहीं बस उन्हें जी करना है। हाँ जी भाई, सुकून के साथ जाके लेट रहे हैं अब, सारी रात सुकून के चिल माहौल सोना है, सुबह उठेंगे सुकून के साथ, फिर आगे इंशाल्लाह ताला नीलम वैली में जाएंगे हम, केरल में जाके इंशाल्लाह आगे बबूल करेंगे। बेस्ट हो गया, मुझे दरअसल सूरज की रोशनी पा रही है, मैंने इस वजह से ग्लासेस आगे की हैं। उम्मीद है कि आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। हाँ भाई बिल्कुल, इंशाल्लाह ये जब आप वीडियो एडिट करके अपने चैनल पे लगाएंगे इंशाल्लाह आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आएंगे। हाय हाय हाय, इंशाल्लाह। बकौल अदनान भाई, इतने कूल किस्म के ड्रोन शॉट्स लिए हैं कि हमारे व्यूवर्स को पसंद आएंगे आएंगे। यहाँ से हमारी है जी वापसी। वापसी हमने होटल देखते जाना है, जो हमें फिजिबल होटल मिला वो देखेंगे, नहीं तो फिर लास्ट हॉल नीचे मुजफ्फराबाद ही है जहाँ पे नहायत गर्मी है। और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम आपको बाबून वैली लेके जाएंगे, जो कि रास्ता जाता है नीलम वैली और कैरन से होता हुआ, और कैरन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नज़र आता है, तो वो सब कुछ हमने आपको दिखाना है। बाबून वैली उम्मीद है कि रास्ते खुले हों ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें और अपने व्यूवर्स को दिखा सकें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब से याद है, मैंने एनालिटिक्स चेक किया था यार, 90% लोग बगैर सब्सक्राइब किए हुए यार वीडियोस देखते हैं, ये जुल्म ना किया करो यार, सब्सक्राइब किया करो, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इतना हम सफ़र करके ट्रैवल करके हम आपको दिखाते हैं नेचर की खूबसूरती, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को करें लाइक, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड जो हमने आपको दिखानी है वो आपको मिल सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।